अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? बड़े दिनों बाद आज मुलाकात हो रही है, और मुलाकात हो रही है विद कुकिंग रेसिपी। तो मैं आपको नहीं दूंगी, बिकॉज़ रेसिपी सबको पता होती है। यहाँ पे लैम्ब बिरयानी बन रही है, और ये ऑयल देख के परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये चिप्स फ्राई करने के लिए मैंने रखा है बच्चों के लिए। तो अभी मैं आपको बिरयानी की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये लुक है, आज ज़रा बिजी बिजी डे था, तो पूरी रेसिपी मैं इसकी नहीं शो करवा सकी। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं शो कराऊंगी। और साथ अभी मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेफ्यू की एंगेजमेंट का ये फंक्शन था। बेसिकली छोटा सा एक फंक्शन किया था बिकॉज़ ऑफ कोरोना वायरस की वजह से, ज़्यादा गैदरिंग नहीं थी कि बिकॉज़ वो 30 लोगों से ऊपर अलाउ नहीं थे कर रहे, तो जिसकी वजह से बस एक छोटा सा ही फंक्शन किया था। तो ये उसकी कुछ वीडियो है, तो अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे और इनकी जोड़ी कामयाब रहे फॉर लाइफ के लिए। और बस बड़ों की तो दुआएं होती हैं, छोटे बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, अब ये हमारा भी टाइम आ गया कि अब हम भी, सॉरी पीछे से मेरी बच्ची की आवाज़ बढ़िया, वेट बेटा, ये केक काट रहे हैं फाइनली रसम होने के बाद। तो ये उसकी वीडियो है, तो आप भी देखें, एंजॉय कीजिए। रैंडमली बस इनकी बस थोड़ी सी पिक्चर्स भी बीच में आएंगी, तो बस देखिए और अपनी दुआओं में इनको, अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको नेफ्यू की शक्ल तो दिखा नहीं रही और उनकी फियांसी की दिखा रही हूँ, एक्चुअली वो टॉल काफ़ी है, और जो मेरे पास वीडियो आई है ना, तो उसमें इसका चेहरा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। अब ये देखें जी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैंने इसका भी चेहरा दिखा दिया, क्योंकि इसकी हाइट जो मेरे पास वीडियो आई है बेसिकली वो कैमरा ठीक नहीं था। ये साथ ग्रीन कपड़ों में जी मेरी नीस है, तो बस जी इंशाल्लाह इसके लिए भी फाइंड कर रहे हैं, इसके लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो इसके भी हाथ पीले कर दें। और ये इसकी सिस्टर है, और ये दरमियान में जी हमारी होने वाली बहू है ये मेरी नीस है ग्रीन कपड़ों में। तो इंशाल्लाह जी अल्लाह नसीब अच्छे करे इन सब की। और ये अब बस इनकी तस्वीरें चल रही हैं दोनों की, ये नंद और भाभी इनके, और ये जी एंगेजमेंट दोनों के हैंड, अब्दुल्ला मेरे भांजे का नाम है, तो इसको बेसिकली इसने रिंग नहीं थी डाली, इसकी घड़ी थी, तो घड़ी की वो थोड़ी सी आपको लुक नज़र आ रही होगी, तो लड़की की हाथ में रिंग थी। तो आज फिर कुछ शॉपिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ शॉपिंग मेरी आई है, कुछ पार्सल्स हैं, और कुछ मैंने वैसे जनरल शॉपों से बाय किए हैं चीज़ें, तो आज फिर उनमें से कुछ चीज़ें आज फिर आपको दिखाते हैं, जिनमें से ये हैं वो जिनके अंदर आइस क्यूब बनाते हैं फ्रीज़र के अंदर रखते हैं। मैंने ये लार्ज साइज़ में मंगवाया था, ये लिखा भी लार्ज था, ये ऑनलाइन मैंने मंगवाया था, तो लेकिन ये लार्ज नहीं निकला, ये लिखा उन्होंने लार्ज है, लेकिन इसकी देखें ये इतना छोटू सा निकला। हाँ ये है कि इसके ऊपर ना लिड बनी हुई है आपकी सेफ रहती है, और ये जो है ना ये कुछ ऐसे वन मिनट इसमें ना आइस क्यूब जो है ना वो इजीली निकल जाती हैं, लाइक दिस वे, ये इजी है, मतलब वो आपको वो ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता, इजी वे निकल जाती हैं। एक ये इसमें कलर था और एक ये कलर था इसमें, इसको बंद कर देंगे। और दूसरी चीज़ है रैपर के साथ साथ, और दूसरी चीज़ जो ये है डिस्पेंसर है, ये भी टॉयलेट के अंदर लगेगा, और ये भी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह, इसके अंदर बेसिकली सोप्स चाहेंगे, लाइक शैम्पू आप वन पोर्शन में शैम्पू डाल सकते हैं, वन पोर्शन में आप बॉडी वॉश डाल सकते हैं, या अगर आपने सिंक के पास लगाना है इसमें आप हैंड वॉश भी डाल सकते हैं, और एक साइड पे आप मॉइस्चराइज़र डाल सकते हैं। और ये वेरी इजी है, यहाँ से दबाएँ, और जैसे कि आप लोग देखते हैं लाइक लगी होती है मोस्टली पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह में लगे होते हैं, लेकिन ये मुझे चाहिए था अपने टॉयलेट के लिए, तो एक मैंने ये लिया है।
ये भी मुझे ऑनलाइन ही रिसीव हुआ है। और जी एक ये था और एक ये है। सॉरी मैं पहले ही खोल चुकी हूँ क्योंकि मैंने चेक करना होता है समटाइम, वीडियो मैंने लेट डालनी होती है, जैसे कि अभी काफ़ी दिन ही हो गए बीच में, तो चीज़ें समटाइम वो ब्रोकन होती हैं, फिर आपको वापस भेजनी होती है, फिर वो न्यू भेजते हैं, तो इस चक्कर में फिर मैं ये पहले ही खोल लेती हूँ। और जी ये वो है, इसके ठहरे मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये चीज़ है, इसमें आप फॉइल वगैरह लगाते हैं और जो क्लीन फिल्म होता है और ये टिश वगैरह लगाते हैं। ये देखिए इस तरह, अभी तो ये इसके पार्ट्स हुए हैं, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, और यहाँ पे ये टिश्यू लगेगा, यहाँ पे फॉइल्स वगैरह लगेंगी, और ये इजी होता है इस तरह काटने के लिए। एक ये लिया है किचन के लिए, और इनको मैं बाद में पैक करती हूँ। और जो ये शाहकार है जिसका मुझे बड़ी देर से इंतज़ार था, शुक्र है ये जल्दी आ गया, क्योंकि इसका डिलीवरी टाइम उन्होंने लेट लिखा हुआ था। ये है वॉल माउंटेड लाइक होल्डर, इसमें आप क्या डालते हैं इसकी ना मैं आपको एंड पे पिक्चर शो करूँगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है बेसिकली। हाँ ये कुछ इस तरह से होता है मरियम, एक्चुअली इसके पोर्शंस इनसाइड है, लेकिन मैं आपको वैसे समझाती हूँ। ये बॉक्स जैसे बिग बॉक्स होते हैं, एक में राइस डालते हैं, एक में मुख्तलिफ किस्म की, ये ना तीन चार ये हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6, एक में राइस डाल दें बाकी में दालें डाल दें। ये भी आपको इसमें छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन ये छोटा है नहीं है, मतलब ये वॉल पर लग जाएगा, और ये नीचे जो इसकी ट्रे लगनी है वो भी इसके अंदर में ही है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे उन्होंने, इस तरह बेसिकली इसकी ट्रे लगेगी एक साइड से, ये मतलब आपने ये सारी वॉल पे लग जाएगा किचन की, और जो आपको चीज़ चाहिए ये इसके पीछे अच्छी होल्डर है, और जो आपको चाहिए आप इसमें रख के यहाँ से बटन दबाएंगे तो वो आ जाएगा, इसके अंदर ही आ जाएगा। आपको ज़्यादा से जार्स रखने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसे हम रखते हैं रोज़ के अंदर जगह नहीं रहती है दालों वगैरह के लिए और इन चीज़ों के लिए, तो ये इसमें काफ़ी आ जाती है, लाइक काफ़ी इसकी कैपेसिटी है। एक तो ये अंदर इसी के नाम बाकी पार्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। मरियम गिव मी, एक हमारे घर ये बहुत हाल होता है, जो भी मरियम नो बेटा नो, और एक ये मैंने मंगवाए थे मैग्नेट वाले ना प्लांट, ये मैग्नेट की तरह ये लगेंगे, और ये बेले काफ़ी इसकी ना नाइस लगती है नीचे गिरी, ये आपको मेरे किचन की एक डोर के ऊपर भी नज़र आएंगे, मे भी मैंने किसी वीडियो में दिखाए हों, ये इस तरह लगेंगे। ये मैंने मज़ीद मंगवाए, ये आपकी डोर्स के ऊपर भी लग सकते हैं, आपने बाहर लॉन वगैरह में लगाने उस जगह पे भी लग सकते हैं। ये मतलब इस तरह की ये चीज़ है, मतलब मैग्नेट के साथ ये फ्रिज के साथ भी ये चिपक जाते हैं। हाँ अभी ये सारे मिक्स हुए हैं, तो ये है, ये भी वही है, और ये मैंने कैंडल वैक्स, ये वो जो खुशबू के लिए यूज़ होते हैं, ये हैं एक मरियम ने पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, और मरियम ये दिखाएं, ये कुछ मेकअप से रिलेटेड ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये वो है वाइप्स हैं वेट वाइप्स मेकअप क्लीन करने के लिए। नो मरियम इज़ नॉट थ्रो, नो 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 नो, गो बैक मरियम, गो बैक मरियम, वेट मरियम मरियम मरियम, वन मिनट। और सॉरी मुझे मरियम को चुप करवाना पड़ा क्योंकि वो हर चीज़ पे अटैक करती, दिखाने नहीं देती। और ये जैसे वो किड्स के रूम के लिए आपको सारी चीज़ें दिखाई थी कि इनके रूम में कौन सी चीज़ें जाएंगी, उसमें से एक ये इनके लिए बेडरूम के लिए लिए वॉल क्लॉक, मतलब वॉल क्लॉक तो नहीं सॉरी, ये अलार्म क्लॉक लिए,
और ये लिए हैं जी शावर कैप्स लिए हैं। समटाइम आपने सर नहीं धोना होता शावर में जाते हैं आप, जैसे गर्मी बहुत होती है आप एवरी टाइम बाल नहीं धो सकते, एवरी डे धोने से वो ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए लिया था। और ये लिए हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान में मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन मैंने ये दो ले ली यहाँ से, ये जैसे पाँव वगैरह साफ़ करने के लिए। इधर लिए थे लेकिन इधर कभी यूज़ ही नहीं किया, वो वैसे ही टॉयलेट में पड़े हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान में तो कर ही लेता बंदा जी, वहाँ पे जगह खुली होती है ना इसलिए। और ये एक मास्क ये देखें, ये कितना क्यूट सा नेट का मास्क है, ये मैंने टीके मैक्स से लिया था, और ये मेरे किसी ड्रेस के साथ जाता भी है। अब जी आ जाते हैं हम कुछ विटामिंस की तरफ, क्योंकि हेल्दी होना भी ज़रूरी है, और आगे जाके मैंने कुछ अपनाना वेट लूज़ करने के लिए मैंने स्टार्ट करना है, तो जिसमें आप ज़ाहिर बात है जब आप वेट लूज़ करते हैं तो आप एक कंप्लीट हेल्दी डाइट नहीं खाते, आप डाइट में काफ़ी चीज़ें छोड़ते हैं, लेकिन उसकी वजह से ना आपकी बॉडी को ना विटामिन कम हो जाते हैं, मेरे ऑलरेडी ही प्रॉब्लम है, तो कभी मैंने इतना बॉदर नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि अब करना पड़ेगा, क्योंकि आपको हेल्दी रहना है, आप लाइफ में बहुत सारे काम करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, तो आपको अपनी भी थोड़ी केयर करनी चाहिए, तो इसलिए भी मैंने ये ना मेरी फ्रेंड ने बताया था लाइक इनके लिए सुपर कोलेजन सी प्लस सी, ये हेल्दी स्किन हेयर एंड नेल एंड जॉइंट्स के लिए हैं। ये मैंने आई थिंक पाकिस्तान से भी मिलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से उन्होंने मुझे कहा था कि ना आप वहाँ से ले आओ, वहाँ से ईजी रहेगा, मतलब एक नंबर चीज़ मिल जाएगी बेसिकली। पाकिस्तान में आपको डाउट रहता है कि पता नहीं एक नंबर चीज़ मिलेगी कि नहीं, बेसिकली ये भी मैंने तीन बॉटल्स लेनी थी, इसमें हैं 250 टैबलेट्स इसमें हैं, अभी कुछ मेरी मल्टीविटामिंस की आनी है और कुछ और भी आनी है, ये भी मैंने तीन बॉटल्स ले ली थी, एक मल्टीविटामिंस की ये वाली भी ली थी, ये वेजिटेरियन वाली हैं, बेसिकली सारी ही आई थिंक वेजिटेरियन है, बट ये वाली 100 टैबलेट्स हैं, ये भी वेजिटेरियन हैं, एक ये ली थी लाइक दिस, ये काफ़ी बिग बॉटल्स हैं, इसमें मे भी आपको छोटी नज़र आ रही हो, एक ये ली थी और ये ली थी, ये भी मुझे ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई हैं, एक ये कैल्शियम वाली ली हैं, और ये भी टू बॉटल्स हैं, इसमें भी आई थिंक 120 टैबलेट हैं वन बॉटल में, और ये एक मैं देख रही थी जब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी, तो ये मैंने देखा था एप्पल साइडर विनेगर, ये भी वेट लूज़ के लिए यूज़ होते हैं, इसमें 84 कैप्सूल्स हैं एक पैक में, मैंने दो लिए हैं, एक मैंने आज खोला भी है, उसको मैंने आज टू टैबलेट्स लिए लेकिन एक ही टाइम लिए, उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने टू टैबलेट्स ईच टाइम लेनी है, थ्री टाइम अ डे, और ये नहीं लिखा उन्होंने कि आपने एम्प्टी स्टमक लेनी है या खाना खाने के बाद लेनी है, ये चीज़ नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने बस ये लिखा है कि 6 टैबलेट्स आपने लेनी है पर डे, और 3 टाइम पे लेनी है, ये होगी जी कुछ ये चीज़ें थी। और कुछ आ जाते हैं जी, ये मैंने इसी चक्कर में ये बॉडी शेपर भी मंगवाया है, मगर अब ये यूज़ नहीं होगा लाइक जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वॉकशॉप करते हैं, तो उसके लिए ये बेसिकली ब्लैक कलर में, मे भी आपको लाइक ये वाला बॉडी शेपर इस तरह, एक जी ये था। और अब आ जाते हैं कुछ ड्रेसेस की तरफ, ये क्योंकि इधर लोन हार्डली मिल रही है, मिल रही नहीं, तो मुझे फिर क्योंकि वहाँ पे जाके भी आई थिंक गर्मी ही है, तो मुझे लोन के कपड़ों का प्रॉब्लम बन रहा है, पता नहीं उधर तो होंगे, लेकिन मैं चाह रही थी मैं कुछ इधर से सिलवा लूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे दर्जी नहीं मिल रहा, सो तो वो भी प्रॉब्लम है। और एक ये जी लिया है, ये वाला सूट लिया है, मुझे चुनरी के कपड़े काफ़ी नाइस लगते हैं, ये इसमें डिफरेंट कलर थे, एक पिंक था, एक रेड था, एक ब्लैक था, मैंने ब्लैक वाला लिया, और ये इसके साथ ये वाला दुपट्टा है, ये वाइट में इसकी ट्राउज़र है, और शर्ट में भी वाइट इसकी लेस लगी हुई है, और नेक पे भी आई थिंक वाइट ही लेस मैं लगवाऊँगी इसके, एक ये था और एक ये था ग्रीन, इसके ऊपर काफ़ी शाइनी ये नगों का ये जो डायमंड्स वगैरह होते हैं उनका काम हुआ है, और मरियम साहब फिर हाजिर हैं, और इनको पता नहीं मैं ऐसे ही फेंक दी, इन पर सिलवटें पड़ गई, सो जस्ट अवॉइड इट। और मरियम, कैन यू गिव मी दैट बोतल,
थैंक यू। और जी ये मैंने रोज़ी ऑयल मंगवाया, इसका भी मैं रीड कर रही थी यूट्यूब पे, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं, इसके लिए भी काफ़ी कह रहे हैं कि स्किन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि बेसिकली मेरी स्किन पे ना छाइयाँ कहते हैं ना, जो मेरी ये छोटी बेटी हुई है तो उसके बाद ना छाइयाँ बन गई हैं डार्क कलर के, वो जा नहीं रही हैं। डॉक्टर्स को भी चेक कराया, लाइक वो कहते हैं कि आयरन की कमी की वजह से जी, आयरन की टेबलेट है, इसी वजह से मैंने वो विटामिन और आयरन और बी 12 जी का मैं, और कोई अनीमिक का भी मसला है, काफ़ी सारे मसले हैं, तो वो भी मैंने अब शुरू करनी है। होपफुली अब थोड़ा सा ना लाइफ में रूटीन में आना है, और इंशाल्लाह जी ये थी मेरी आज छोटी सी शॉपिंग, और होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, सो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें वीडियो को, और अगर दिल करे किसी चीज़ के बारे में कमेंट करने को तो आप कमेंट भी कीजिएगा। सो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सो अल्लाह हाफिज़। मरियम, यू वांट टू से अल्लाह हाफिज़? अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।